नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मामला जिला झांसी के कोतवाली गरौठा का है, जहां पर खनन माफियों द्वारा पीड़ित छात्रा ने गरौठा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया के समक्ष बताया कि वो 28 अगस्त 2023 को डिग्री कॉलेज गरौठा से पेपर देकर अपने भाई के साथ स्कूटी से अपने गाँव सिमरधा जा रही थी, जिसे अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसमें भाई बहन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद उन लोगों को स्वास्थ्य केंद्र गरौठा में प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल झांसी रेफर कर दिया गया। इलाज के बाद प्रार्थिया तभी से यानी 5 महीने से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली गरौठा के चक्कर लगा रही थी। प्रार्थिया मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई बार शिकायत कर चुकी है, परंतु पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। विगत तहसील दिवस में भी शिकायत करने पर पीड़िता को संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। खबर झांसी के बरुआ सागर से है, जहां पिछले कई हफ्तों से नगर की बिगड़ी जलापूर्ति से आक्रोशित नगरवासियां सपा पार्षद सहित नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर बैठ गए। नगरवासियों सहित नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर सिंह कुशवाहा ने जल संसाधन कर्मचारियों सहित अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर प्रदेश को लोकप्रिय लोग योगी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई माह से नगर की बिगड़ी जलापूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों का फोन तक नहीं उठाते, जिससे नाराज जन आक्रोश आज जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। करते हैं यहाँ मामला जो है, नगर में पानी की बहुत अव्यवस्थाएँ हैं। जल संस्थान से कई बार गुहार की कि भाई पानी की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, और आज तक ठीक नहीं हो पाई। 2017 से लेके यहाँ जो भी कर्मचारी आते हैं, या तो वो गायब रहते हैं, यहाँ दिखते नहीं हैं, और सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं। परीक्षा परिणाम में त्रुटियां एवं अवैध फीस वसूली के संबंध में छात्रों ने प्रदर्शन कर कुलपति को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में त्रुटियां एवं अवैध फीस वसूली के संबंध जैसी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंप कर प्रदर्शन किया है। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया गया है कि सहारनपुर मंडल के सभी कॉलेज के जो परिणाम घोषित हुए हैं, परिणाम में अंक सही तरीके से नहीं चढ़ाए गए हैं, जिससे छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसमें सारी गलती विश्वविद्यालय की ओर से की गई है, लेकिन छात्रों से दोबारा कॉपी जांच के नाम पर फीस वसूली जाती है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनके अंक अधिक हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से परिणाम में कम अंक प्रदर्शित किए हुए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि विश्वविद्यालय का ये वसूली का एक नया तरीका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो मांग थी अब की बार की, जो फीस जो कॉपी दिखा रहे थे गलत तरीके से, छात्र थे 2500 रुपये शुल्क ले रहे, कॉपी दिखा रहे थे हर एक छात्र में। अब एक गरीब छात्र किसान का छात्र कहाँ से 2500 रुपये दे? अब क्या, अब इन एक तो सात दिन के अंदर अंदर दोबारा रिजल्ट अपडेट होगा, ये हमें लिखित में उन्होंने दी थी। और जो 2500 रुपये की वो शुल्क था वो बिल्कुल नहीं लिया जाने का, मतलब जो बच्चा देखना चाहेगा अपना सीधे जाके वहाँ से कॉपी देखेगा, वो जो होंगे पास में वहाँ तुरंत जभी के जभी रिजल्ट अपडेट होगा पास हो जाएंगे। एक जो बड़ी समस्या थी हमारी कि नेक्स्ट सेमेस्टर के प्रवेश शुरू हो गए थे, तो यहाँ बच्चे फैल थे वहाँ प्रवेश शुरू हो गए थे, तो जो में प्रवेश हैं वे भी आगे बढ़ाए जाएंगे, जो रिजल्ट अपडेट में पास होंगे उनके भी प्रवेश किए जाएंगे। इन छात्रों का प्रदर्शन इस करके है कि जो NEP 2020 लागू हुई है, उसके नियम ये हैं कि बच्चा जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्लियर पास हो तब उसे फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाए।
ये बच्चे जो आए थे ये किसी न किसी सेमेस्टर में इनका बैक है, किसी का एक में, किसी में दो में, किसी में तीन में। इनका कहना है कि साहब हमारा रिजल्ट रिवाइज किया है। इनके साथ के तमाम बच्चे पास हैं, कुछ ये फेल हैं। जैसे ये बच्ची कह रही है मैं अकेली हूँ जो फेल हूँ जी, और वो भी इम्तहान का ऑब्जेक्टिव प्रणाली से हुआ है। इसमें कोई फेल किसी को क्यों करेगा जब मशीनें चेक कर रही हैं। अदरवाइज भी जो थ्योरी की कॉपी होती है उस पर कोडिंग की जाती है, उसके बाद परीक्षकों को मूल्यांकन के लिए दी जाती है। परीक्षक को नहीं मालूम कि किसकी है, वो कोई किसी को क्यों फेल करेगा। पति रोज शराब पत्नी के साथ मारपीट करता था। पत्नी दो दिन से घर में रखे पति के शव को रखी हुई थी। दुर्गंध आने के बाद पत्नी ने खुद पुलिस को फोन करके जानकारी दी। मामला आगरा थाना सदर क्षेत्र का है। देखिए, आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को थाना सदर पर सूचना मिली कि मुस्तफा क्वार्टर्स में एक पुरुष की डेड बॉडी मिली है, और इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना सदर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। और डेड बॉडी में कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने में मालूम पड़ा कि बॉडी को शॉक दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी ने कन्फेस किया कि आपसी कलह के कारण पत्नी परेशान थी, और पत्नी ने 16 दिसंबर की रात को मृतक को बांध के उसके पैर में शॉक दे के। बहराइच शहर के हुजूमपुर रोड पर स्थित एम्स इंटरनेशनल स्कूल का बस परिचालक संदिग्ध परिस्थितियों में छत की भवन से गिर गया। स्कूल प्रशासन जिला अस्पताल जिसे ले जाया गया, यहाँ पर कर्मचारी की मौत हो गई। बहन ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन न लगाने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। स्कूल प्रबंधन कर घटना छिपाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लापरवाही से नहीं, इलाज उसको पूरा मिला। बच्चे के हेड इंजरी हुई थी, और जब मैं वहाँ कॉलेज में राउंड ले रहा था मेरे पास खबर आ गई हेड इंजरी सीवियर थी, उसमें ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग में बच्चे की डेथ। लापरवाही कोई नहीं हुई। परिवार का जो आरोप लगाया जा रहा है लापरवाही, इलाज हुआ है, जो जाँच जो अगर कोई कम्प्लेन आती तो हम उसकी जाँच करें। देखिए, हम सभी लोग अपने अपने कार्यों में बिजी थे। सुबह का समय होता है तो सब लोग अपना अपना कार्य देख रहे थे। अचानक से एक आवाज हुई जिसमें हम सभी लोग दौड़ करके बाहर देखने लगे कि क्या हुआ। फिर पता दिखा कि एक जो है हमारे यहाँ काम करने वाला सचिन शर्मा नाम का व्यक्ति जो है वो नीचे जो है रास्ता में है। हम सभी लोग लेकर के उसको अस्पताल दौड़े। बांदा के मवई बुजुर्ग गांव के युवक के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक अटारी में भूसा, 5 क्विंटल गेहूं, 50 किलो अरहर सहित जलकर खाक हो गया। आग से करीब 50,000 से ज्यादा का नुकसान बताया गया है। तो वही पड़ोसी शिवमोहन का भी कच्चा मकान आग की चपेट में आ गया। आग लगते ही मकान के मालिकों ने जब ये देखा तो आनन फानन में आग बुझाने लगे। वही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी गई। आधे घंटे बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। मामला उच्चाहार कोतवाली क्षेत्र के जमुनियार का है, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे में बन रहे बाईपास में काम न लगे ट्रक ने पीछे से पैदल जा रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बताया गया कि महिला किसी काम से जनसुविधा केंद्र जमुनियार आई हुई थी, वापस अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में महिला को नजदीक की स्वास्थ्य के उच्चाहार पहुंचाया गया, जहां पर महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया।
वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर भागने में कामयाब रहा। आगरा थाना नाई की मंडी स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर में गेट का ताला तोड़कर चोर घुस चुका। मंदिर की दान पेटी का तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चोरी करके चोर फरार हो गया। चोर की यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा के एमजी रोड पर धकरान चौराहे पर मां चामुंडा देवी मंदिर है। सोमवार सुबह पुजारी हरिओम शास्त्री मंदिर पहुंचे। मंदिर के ताले टूटे हुए थे, दान पात्रों के ताले टूटे हुए थे। आनन फानन में यह सूचना थाना नाई की मंडी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें चोर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मंदिर में ये पहली घटना नहीं है, पहले भी मंदिर में चोर ने चोरी के दौरान मंदिर के महंत पर जानलेवा हमला भी किया था, जिसमें कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान महंत की मौत हो गई थी। पुलिस ने उस घटना का खुलासा भी किया था। एक चोर जो कि कई बार मंदिर में चोरी कर चुका था, राजस्थान धौलपुर के पास का रहने वाला था, उसे पकड़कर जेल भेजा गया था। लेकिन मंदिर में फिर से ये घटना होने पर लोग दहशत में हैं और साथ ही आक्रोश भी व्याप्त है। मंदिर के ट्रस्टी ने सुरक्षा की मांग की है। देखिए, थाना नाई की मंडी अंतर्गत मंदिर में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है और हमारे पास इसमें वीडियो फुटेज है। फुटेज में राहुलिया दिख रहा है, टीमें लगा दी गई हैं और बहुत गिरफ्तारी कर लेंगे। अभी तक चोरी की घटना पुष्टि नहीं हुई है और टीम हमारी लगी हुई है, बहुत जल्दी गिरफ्तार करके घटना। ये 18 तारीख की मध्यम रात्रि को और ये जो क्या है मंदिर में दो बजे के टाइम की मीडिया के उसके रिकॉर्डिंग के हिसाब से, कैमरे के हिसाब से हमें मालूम पड़ी कि मंदिर में यह चोरी हो गई है। और सुबह उठ के ना ही 5 बजे की टाइम पे पुजारी यहाँ आते हैं और उन्होंने हमें जानकारी दी, भाई ऐसे ऐसे मंदिर का ताला टूटा हुआ है और आपका मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। तो हमें जानकारी मालूम पड़ी तो हम लोग यहाँ पे आए और आके हमने देखा कि सभी कैमरे वो क्या सभी मंदिर की जो तिजोरी है पड़ी है और सबरी खाली हो गई है, सबरी वो तिजोरी। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, विकलांग पेंशन बहाली और आवास और शौचालय दिलाए जाने की मांग रखी और कहा कि महीने में एक दिन विकलांगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए रखा जाए। आधा सैकड़ा विकलांगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। रायबरेली में गन्ने के खेत में बिजली विभाग की लापरवाही से आग लग गई। खेत से गुजरते हुए 11,000 वोल्टेज को तार से आग लग गई, जिसमें किसानों के 1.5 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। फसल जलने से किसानों को हजारों रुपए का नुकसान हो गया है। घटना सेनी थाना क्षेत्र के शीतलखेड़ा गांव की है। माफिया अतीक के करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई। हार्ट अटैक पड़ने के कारण नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। रविवार शाम को इलाज के लिए जेल से स्वरूप प्राणी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान नफीस बिरयानी की मौत हो गई। नफीस बिरयानी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था। 9 दिसंबर को उसे नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था। देखिए, जिस समय उनको दिन में लगभग 11:30 के बीच में उनको ले आया गया था इमरजेंसी में, इमरजेंसी टीम ने देखा तत्काल उस समय, तो उसी समय जब आए थे उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्पिरेटरी रेट लगभग 60 पर मिनट था, उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ब्रेथलेसनेस थी और उनका उस समय देखा है बीपी देखा गया, बीपी ब्लड प्रेशर बहुत कम था, बहुत डाउन था, 70 मिलीमीटर मरकरी था। तत्काल उनको फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ICU में तुरंत एडमिट कराया गया था इमिडिएटली और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे उस समय और पूरी टीम ICU में वैसे भी 24 आवर्स वहाँ मॉनिटरिंग होती, 24 आवर्स पूरी टीम रहती है। देखा गया ECG देखा गया, तभी उसको और एंजाइम टेस्ट किए गए और उससे कंफर्म हुआ कि उनको सीवियर MI हुआ था और साथ में इसके बाद उनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर भी था,
कार्डियक फेलोर, जिसके कारण पल्मोनरी एडमा था। इसी कारण से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बहुत था, ऑक्सीजन सेचुरेशन मात्र 70% था। हरदोई जिले में किसान आवारा पशुओं से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आवारा पशुओं से परेशान सैकड़ों किसान कलेक्टर परिसर पहुंचे। किसानों ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। डीएम एमपी सिंह स्वयं किसानों से मिले और समस्या से निजात दिलाने का किसानों को भरोसा दिलाया। कलेक्टर परिसर पहुंचे बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के बदयूना और अन्य गाँव के किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने सरकारी वाहन से किसी कार्यक्रम में जा रहे डीएम मंगला प्रसाद सिंह भी किसानों का प्रदर्शन देखकर मौके पर पहुंच गए और किसानों से उनकी समस्याओं को सुना। किसानों ने डीएम को बताया कि रात रात भर आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों में रहना पड़ता है। तार लगाए जाते हैं जिनको चोर चोरी करके ले जाते हैं। वहीं तारों को सहारा देने के लिए लगाई गई लकड़ी को लोग जलाने के लिए उठा ले जाते हैं। कहा कि जरा सी चूक से आवारा पशु फसलों को नष्ट कर देते हैं। गौशालाओं में आवारा पशु नहीं जा रहे, वो खाली पड़े हैं। किसानों ने डीएम से इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। डीएम ने किसानों को समस्या समझाया और बुझाया और समस्या से निजात दिलाए जाने की व्यवस्था करने का भरोसा भी दिलाया। हमारी यह है, हम भदेउना ग्राम भदेउना से आए हुए हैं। थाना मेरा बेटा गोकुल है, तहसील शाहबाद है। और आवारा पशुओं से मैं बहुत परेशान हूँ। खेत में रात भर लेटता हूँ, चार जगह हमारा खेत है तो चार जगह कैसे लेटूँ। तार बांध हमारा कुछ रहता नहीं है, कहीं तो चोर उठा ले जाते हैं तो कहीं जलाने के लिए खूंटा तोड़ ले जाते हैं। और जानवर सब खेत खाए जा रहे हैं और हमारे लिए कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। गौशाला हमारे गाँव में प्रधान ने जगह कुछ थोड़ी थी उसके पाई, लेकिन वो भी गौशाला नहीं बन पाया। जिले के धूरपुर थाना क्षेत्र के भारती नगर चक में चंद्र प्रकाश केशवानी के किराने की दुकान में धुआं उठने लगा। यह देख आसपास के लोग द्वारा शोर मचाने लगे। गोदाम से 100 मीटर दूर स्थित चंद्र प्रकाश का मकान है। लोगों ने दौड़कर चंद्र प्रकाश को सूचना दी और उनके गोदाम में आग लगी है। यह सुनकर परिवार के साथ दौड़कर गोदाम के पास आए तो देखा गोदाम में तेज धुएं के साथ लपटें निकल रही थी। तत्काल गोदाम का शटर तोड़कर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोदाम में किराने का सामान और बुलेरो गाड़ी होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तत्काल घूरपुर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी घूरपुर संजीव कुमार चौबे द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक चंद्र प्रकाश के गोदाम में रखे किराने का सामान और बुलेरो गाड़ी जलकर खाक हो गई थी। कानपुर में किसान बाबू सिंह खुदकुशी कांड दोहराने के प्रयास में कानपुर के भूमि माफिया जुटे हुए हैं। आरोप है कि कानपुर चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंगर चौराहे पर किसान की जमीन पर माफिया कब्जा कर रहे हैं। कोर्ट से स्टे के बावजूद दबंग किसान की जमीन पर खुलेआम कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर किसान के परिवार ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही न्याय न मिलने पर सामूहिक खुदकुशी की धमकी दी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फतेहपुर जिले में गरीब के घर और जमीन में कब्जा करने की नीयत से दबंगों ने पहले मां बेटी के साथ छेड़खानी करने लगे। जब महिला ने शोरगुल किया तो दोनों के साथ मारपीट करते हुए घर में आग लगा दी। मामले की शिकायत करने पहुंची पीड़िता की रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें पुलिस चौकी से भगा दिया गया। मजबूर होकर पीड़िता ने बिंदकी की कोतवाली में दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि दबंगों ने घर न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ में हुई आपराधिक वारदात के खुलासे करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा लगातार सूचना संकलन और संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के थाना रानीगंज के निरीक्षक शशिकांत यादव मय हमराह
फिरोज खां, अरविंद कुमार यादव, अजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र रानीगंज के चिरकुटी चौराहे रामनगर के पास तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार स्थित एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक गायनोकिस सेंटर का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त और महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और कहा कि देवभूमि अस्पताल के द्वारा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में साल 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा सरकार के राज में हरिद्वार और रुड़की में दो बड़े मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। दोनों मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद न सिर्फ यहां से अच्छे डॉक्टर निकलेंगे बल्कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही हमारे साथ।